अल्लाम नाज्रीन आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम ज़रा सियासी मंरनामे से हट कर हम माशी मंजरनामे का ज़रा जिक्र करेंगे आज आपको मालूम है कि तीन सूबों में बजट्स जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं उनका भी तजिया करेंगे थोड़ा थोड़ा हम साथ टच करेंगे फेडरल बजट को भी और देखेंगे कि फेडरल बजट में भी क्या सूरत हाल है वेलकम बैक नाजरीन हम अभी प्रोग्राम शुरू ही कर रहे थे कि लाइव प्रोग्रामिंग का आपको मालूम है कि ये तो होता है और लाइव प्रोग्रामिंग की ब्यूटी ही ये है कि जो भी चीज़ होगी उसे लाइव कवर करना पड़ेगा और आपको अपडेट रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे इन प्रोग्राम का जो आगाज़ था उसमें बता ही रहा था कि जो बजट्स पे पेश हुए हैं आज आ, उन पर गुफ्तु -गु करेंगे और मुख्तु सेंटर्स पर जाएंगे और वहाँ से मुख्त लोगों से बात करके आपके साथ आज के जो बजट्स हैं उनको आ, उनके जो आदादोशुमार हैं उनके क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सैनिटर डॉक्टर अकबर खाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुतल हैं और वाशिंगटन बेस्ड हुआ करते थे लॉन्ग टाइम नो सीट डॉक्टर साहब आप कहाँ गायब हो गए थे लास्ट टाइम मुझे याद है आपसे मुलाकात हुई थी वाशिंगटन में बीबी साहा बीबी साहा के, के, के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में।, में जी exactly. और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात नहीं व्हाट अ लेडी अब उनके बारे में बंदा क्या कहे हाँ. लेकिन वो लास्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद फिर आपसे मुलाकात जे. नहीं हो सकी आ, आपको पता है एक हफ्ते में उनकी बर्थडे आ रही है एक हफ्ते में बर्थडे उनकी आ रही है 21 को टाइम है डेमोक्रेसी के लिए उस पे सेमिनार्स होंगे टेंगे खून का देंगे दे। अच्छा नजीन दे। 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 यहाँ पर यह भी मैं आपको बताना चाहूँ की हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरा वाला कैंपस के और सिंध के बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची में हमें ज्वाइन करेंगे शेर मोहम्मद खावर साहब जो साफ़ी भी हैं तजिया नगार भी हैं और सरहद के बजट के हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर सेंटर से परवेज खान खलील साहब माहिर इकतियात हैं इन सब सबसे बात होगी बारी बारी और हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है टू स्टार्ट विद मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हम बात करते हैं कुछ फेडरल बजट के हवाले से क्योंकि फेडरल बजट इस बार अजीब चीज़ हुई है फेडल uh, बजट गुजर गया और मैंने एक भी प्रोग्राम अभी तक फेडरल बजट पे नहीं किया क्योंकि लॉन्ग मार्च के ऊपर इतने फंसे हुए थे हम लोग uh, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज टाइम है कि हम थोड़ा सा टच करें फेडरल बजट को uh, उसमें 20 परसेंट इंक्रीज हुई है सैलरीज और पेंशन की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्लान है विद इनिशियल एलोकेशन ऑफ थर्टी बिलियन रुपीज फिर इसी तरह बेनजीर कार्ड जो है uh, उसको गुरबा के लिए आपने जो इनक्रोड्यूस कराया है जी एग्जिस्टिंग हाँ. uh, बात बैतलम जो है वो कंटिन्यू करेगा फिर इस तरह पीपल वर्कस प्रोग्राम जो है वो भी शुरू किया जा रहा है नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट किया जाएगा इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे देख रहे हैं पूरे इस बजट को फेडरल बजट को देखिए सबसे पहले तो आप जो इकॉनॉमी के चैलेंजेस हैं ना वो चार मेजर चैलेंजेस हैं एक तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस थी वो डिक्लाइन मोड में हैं सो दैट्स नेगेटिव फैक्टर इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इकॉनमी पे बर्डन है उसकी कई वजूहत हैं थर्ड जो है हमारे ट्रेड डेफिसिट्स hmm. और चौथा फिजिकल डेफिसिट hmm. लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कि नाउमीदी है इकोनॉमी में पोटेंशियल्स हैं इनको रिवाइव करने में hmm. uh, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट है कोलिशन पार्टनर के साथ हमारी कोशिश है कि इन चैलेंजेस के बावजूद ब्लेम गेम को जाने की बजाय जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे फेस करें सबसे पहले जो मेजर चैलेंज है रिस्ट्रक्चर कैसे करें जो भी गिवन रिसोर्सेस हैं उनमें हमारी प्रायरिटीज़ क्या हैं और खसूस एफिशेंसीज कैसे लाएं और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कैसे करें आ, हमें पता है कि विद इन टू मंथ बहुत बड़ा चैलेंज है बजट को लाना और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लाना आ, तो हम इस चैलेंज को लेकिन इसमें, इसमें हैं एक, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है वो ऑयल प्राइस है उसको exactly. कैसे इसमें आपनाएंगे? आप उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं पंद्रह डॉलर बैरल से होता हुआ पिछले साल 60 तक आया डबल हो गया 160 अब आज 140 को क्रॉस कर गया नहीं। नहीं। तो आप उसमें बजट में, में प्रोविजन नहीं कर सकते ये जो टिपिकल कॉन्टिजेंसी प्लान है जिसका इंपैक्ट है आप अपने एनर्जी रिसोर्सेज ना हो और नहीं। 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 इसके लिए कॉन्टिजेंसी प्लान आप कोई पाँच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट वाली बात तो नहीं आप देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ये एक ऐसा इंटरनेशनल इम्पेक्ट है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस चैलेंज को देखना ये पड़ेगा कि हम विद इन द कंट्री नेशनल जो अपने डोमेस्टिक रिसोर्स हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करें ऑल्टरनेट एनर्जी के रिसोर्स के ताकि हमें टोटल हंड्रेड परसेंट बर्डन या आयल एनर्जी की आपने बात की है डॉक्टर साहब ये हमारे लिए वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इस वक्त जो है लोड शेडिंग आपको मालूम है एग्जैक्ट exactly. घंटे मेजर शहरों में हो रही है तो इस तरीके से ये जो भी सिचुएशन है इसमें से कैसे निकला जाए ताकि न सिर्फ के जो हमारा कंज्यूमर है वो सही सेटिस्फाइड हो बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री है जो वो आ, एक किस्म का भी जिस तरह बात कर रहे थे राजा प्रोज अशरफ साहब के अजीब से हालात हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर कर रही थी बाकी इंडस्ट्री सफर कर रही थी तो कैसे कैन वी गेट आउट ऑफ इट जी एक्सपेक्टेशन यही है आपको जैसे कि हमारे वाटर एंड पावर के मिनिस्टर ने कहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टू थ्री मंथ्स भी बारिशों के सीज़न में और मुख्तल हाइडल स्टोरेज hmm. और ये जो है इससे थोड़ी सी हाइडल जनरेशन पावर इम्प्रूव भी होगी और जो आजकल एनर्जी सेविंग्स हैं उसमें थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा hmm. लेकिन इसके बावजूद हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज एक्सप्लोर uh, hmm. hmm. करने पड़ेंगे ठीक uh, और भी ये इम्पोर्टेंट uh, है जो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट uh, करने hmm. के लिए इन एडिशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अदर थिंगस एक जो है पावर एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडस्ट्री को uh, चलाने में right. तो मैं समझता हूँ एक मेजर चैलेंज है इसमें हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड है उसकी प्रायोरिटीज़ में खूस कुछ एरियाज़ में एफिशिएंसीज़ का लाना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक फेडरल बजट की बात है ये मैं नहीं कह सकता कि ऑप्टिमल बजट हमने दे दिया टाइम कंसेंट अपनी जगह पर रिसोर्स कंसेंट अपनी जगह पर एक वक्त लगेगा इसको पूरा रिस्ट्रक्चर करने में और हमारी जो प्रायोरिटीज ये जो प्रोग्राम आपने बताए हैं क्योंकि एक प्रायोरिटी ये भी थी कि इमीडिएट रिलीफ कैसे दिया जाए जो लोएस्ट पोअर क्लास है नहीं। तो ये अभी आपने जो मेंशन uh, किया है शहीद मोहरमे भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो इसमें टारगेट है कि थ्री पॉइंट थ्री मिलियन जो लोएस्ट पोअर क्लास है उनको कैसे हम इमीडिएटली फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा सके ठीक है आ, इसमें नाजरीन अभी ज़रा हम बात करते हैं सुबह में जाके ज़रा सबसे पहले सुबह पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तीन खरब उनानवे अरब साठ लाख रुपए का बजट और इसमें एक सौ साठ अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्त किए गए हैं गैर तरक्याती अखराज का तखमीना दो खरब छप्पन अरब चुरानवे करोड़ रुपये लगाया गया है अमीर तबके के लिए टैक्सों की इमारात खत्म करने का फैसला किया गया है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है गरीबों को शेयर खुरदनोश की फ्राहमी और मुफ्त इलाज की सहूलतों के लिए तेरह अरब रुपए की सब्सिडी गुरबत में कमी के प्रोग्राम के लिए सत्रह अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं सेल्स टैक्स की शराब पंद्रह से सोलह फीसद बढ़ा दी गई है दरामद होने वाली बड़ी गाड़ियों यानी जो लग्जरी कार्स हैं उन पर लग्जरी टैक्स और घुड़ दौड़ पर इंटरटेनमेंट ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है किसानों ये जो एग्रीकल्चर के बारे में हम अक्सर कहते रहते हैं को साठ हज़ार एकड़ सरकारी ज़मीन लीज पर देने का ऐलान किया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैंतीस अरब पाँच करोड़ तालीम के लिए तीस अरब तेरह करोड़ सेहत के लिए नौ अरब सड़कों की तमीर के लिए साढ़े सत्रह अरब भारत ये सारी चीज़ें हैं लेकिन चलते हैं लाहौर और बात करते हैं डॉक्टर एहसान साहब के साथ डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि आप इस बजट को किस तरह ले रहे हैं एकेडमिक के तौर पर एनालिस्ट के तौर पर आज का जो पंजाब का बजट था वो कैसा था क्या आम लोगों ने उसको पसंद किया है, क्या रिएक्शन था आज इंटेलिजेंसिया का भी और एक आम आदमी का जो स्ट्रीट के ऊपर खड़ा होता है थैंक यू वेरी मच कसाना असल में तो उसका जो फीडबैक है फौरी तौर पे तो नहीं आता लेकिन यह है कि जैसे अभी आपने फिगर तो सारे मसलन बता दिए तलीम के लिहाज से अगर आप ले लें जो कि बेसिक हमारी ज़रूरत है और हर बजट पेश होने में इसको बड़ा प्रेफर किया जाता है जैसे आपने कहा तो उसमें अगर आप देखें तो इस बजट में 144 फोर्टी फोर, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो बड़े एक्सीलेंस के उन पे उन पे ख़र्चा किया जाएगा और इसके अलावा ये है कि दो मेडिकल कॉलेज जो हैं एक फॉर एरिया बड़ी बात है डेरा गाजी खान में होगा और दूसरा आ, भी इस्टेबलिश किया जाएगा और अगर आप देखें सेहत के लिए भी जो नेसेसरी उसकी ज़रूरियात हैं उसको रखा गया लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे अहम बात यह है कि बजट के फिगर हों या बजट पेश किया जाए वो बड़ा ही आइडियल है आइडियल में और रियल में बड़ा फ़र्क होता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि जो भी हॉस्पिटल हैं जो भी स्कूल्स हैं जो भी कॉलेजेस हैं प्रोफेशनल तलीम पे इसका बड़ा असर किया गया ज़रात की तरफ इसका बड़ा मसला रुझान हुआ है कि लेटेस्ट मशीनरी दी जाए और बड़ी सब्सिडीज़ दी जाए और बड़ी अहम बात है कि अखराज में से जो सत्रह अरब सब्सिडी दी आ, दी जाएगी ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम जरात की तरफ जा रहे हैं तो हमें स्पेशलिस्ट लोगों को कंसल्ट करना चाहिए हुकूमत को भी और जो जो भी हमारी वजारत मसलन हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हमारे बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं उनको लिया जाए लाइव लाइव जो हमारा स्टॉक है मवेशी हैं हमारे उनके लिए भी उनकी इमदाद मतलब उनकी भी मदद ली जाए रिसर्च पे बड़ा कंसनट्रेट किया जाए और बाकायदा पूछा जाए यूनिवर्सिटी से कि इतना हमारा बजट है इतना हम ख़र्चा करने जा रहे हैं ये हमारा तखमीना है इसका आउटकम क्या आगा और इसी लिहाज अगर आप तालीम को लें तो हमारे कॉलेज हैं हमारे स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास चार चार मुरबे दो दो मुरबे ज़मीन है और वहाँ ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं उनकी जो लैब्स हैं उनको भी बड़ा मसलन प्रेफरेबली उनको देखा जाए कि जहाँ इम्प्रूवमेंट में नए मनसूबे बहुत अच्छे हैं लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है हमारे जहाँ हम सफ़र कर रहे हैं उनको उन पे ऊपर नज़र रखना उनको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिहाज से लेना बहुत ही ज़रूरी है चूँकि मैं थोड़ा सा एग्ज़ामिनेशन के साथ रहा तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ तकरीबन को चार सौ साठ कॉलेजेस एफिलेटेड हैं उसमें से हम फिगर दे सकते हैं कि पंजाब में तीस कॉलेज जो हमारे पाँच डिवीज़न में हैं बाकी तीन डिवीज़न तो हमारे चले जाते हैं बाहुद्दीन जक्रे यूनिवर्सिटी में इस्लामी यूनिवर्सिटी में उनमें लेकिन जो पाँच डिवीज़न है उसमें से कुछ तीस कॉलेज ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के हैं उनमें से जो सबसे बड़ी बात आई है अगर ये फिगर ले लेंगे वो ये है कि उसमें की बड़ी कमी है अगर की कमी पूरी हो रही है तो लैब्स में जो हमारा माल वो, वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं है तो ये बड़ी चीजें जरूरी है कि अगर बजट को उस लिहाज से उसकी प्रॉपर एलोकेशन की जाए बड़ी इफेक्टिव उसकी मैनेजमेंट की जाए जरायत के शोबे में नंबर जो तीसरी बात बड़ी आपने अभी बताया कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको बाहर डिस्करेज किया जाएगा उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा के और ऑलरेडी नई गाड़ी भी कोई नहीं खरीदी जाएगी लेकिन उससे भी जो अहम काम है वो ये है कि अनप्रोडक्टिव जो अखराजात हैं वो उन मतलब उनका जिक्र भी हुआ और उनके ऊपर वाकई जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए वो आपको मैं अगर बता दूँ फिकर रफली है हो सकता है थोड़ा सा उसमें कमो बेश हो तो हमारे साठ से सत्तर फीसद हमारे जो अखराजात हैं वो अनप्रोडक्टिव चले जाते हैं सिर्फ़ मसला हमारे दोस्तों के वज़रा के और उनके अखराजात के ऊपर इनको अगर अगर हम अगर हम मेनटेन कर लें और अगर माइनूटली हम इनको आ, सपोज मैनेज कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो बजट है वो आइडियल ना हो सके और वो आगे ना बाकी जो चीज़ है एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हमारा मुल्क पूरा जो है वो माशा ज़रूरी मुल्क है लेकिन पार्टिकुलरली जो हमारा पंजाब है वो तो ज़रात के ऊपर ही इसार करता है अगर हम और कुछ भी ना कर सकें तो गंदम और आटा जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत इसके ऊपर नज़र रखे और हर लिहाज से दोस्तों को तरगीब भी दे और उनसे ये सवाल भी करे और रिक्वेस्ट भी करे कि कम अज कम आटा का बुरहान जो है वो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं तो मानने के लिए तैयार कि आटा हमारा कहाँ चला जाता है और लोगों को ये ना मिले बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स हैं हमारी बाकी उनके ऊपर बड़ी नजर हो ठीक है राइस है वीट है शुगर है लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो दालें हम बड़ी पैदा कर सकते हैं उनके ऊपर अगर सपोज अगर आ, आ, किसान जो है वो अगर और बड़ी अच्छी बात आई है कि साढ़े बारह एकड़ जमीन का जो मालक है उसको बाहर ट्रैक्टर दिया जाएगा और ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दी बात तो, करते हैं मुझे जरा सुबह सरहद भी जाना है और नाजरीन सुबह सरहद के हवाले से जो बजट पेश किया गया है उसमें आपको मैं बताता चलूँ कि एक खरब सत्तर अरब रुपये का बजट है और तालीम के लिए इक्कीस अरब रुपये अठासी नए मनसूबे तलीम के सेक्टर में बनाने का ऐलान किया गया है सेहत के लिए छः इशारिया पाँच अरब रुपये पाँच सौ बिस्तरों का बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल पिशावर में तामीर किया जाएगा तरक्याती मनसूबों बजट के उनतालीस फ़ीसद खर्च किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिक्स पॉइंट फाइव बिलियन रुपीज़ सात हज़ार नई मुलाजमतें और उसमें पुलिस में भी दो सौ अट्ठाईस मिलियन रुपये नई हुकूमती मारा और रेनोवेशन के लिए पचास ट्यूब और पचास छोटी आपाशी स्कीमें शुरू करने का एलान बीस नए कॉलेज और दो सौ प्राइमरी स्कूलों की तामीर। इस्लामी इमाम के मकाम पर और मर्दानी कामर्स का मर्दान में पहला मेडिकल हतार में जोन और इस तरह सो तो आ, चलते हैं जरा सरहद और वहां पर पिशावर हमारे हैं खान खलील साथ मौजूद है पूछूंगा प्रोवेज साहब जरा बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि प्रायोरिटीज जो आज बजट में नजर आई हैं आप समझते हैं कि ये प्रायोरिटीज़ ठीक हैं आ, सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तालीम के हवाले से देखा जाए तो आप एक एनालिस्ट के नाते क्या आप समझते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ सेट की गई हैं वो अवामी प्रायोरिटीज़ हैं अवामी उमंगों के एन मुताबिक हैं या नहीं हैं देखें जहाँ तक प्रायोरिटीज़ का ताल्लुक है अगर उसको उस पर एक अजमाली नजर डाली जाए तो मेजॉरिटी हमें नज़र आई आती है कि काफ़ी हद तक जो है वो सही है इसलिए कि आपको मैं अर्ज़ करूं कि साल के आगाज़ में जो है फेडरल बजट आता है उसी बजट में से जो है वो आपको सूबों को हिस्सा मिलता है और उसी हिस्से में सेबाई बजट बनता है नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट जो है उसी में से बनता है दूसरी तरफ देखें कि मुल्क के अंदर ये मारूजी हालात हैं लाइन ऑर्डर की सूरत हाल देखें तेल की वजह से कीमतें कहाँ जा रही हैं खोरदन अशिया जो है किस तरफ जा रही हैं <coughs> तो ये एक चैलेंज था सूबा हुकूमत के लिए एन पी एड हुकूमत लिए, के लिए कि वो ऐसे बजट लेकर आए जिससे अवाम पे नया टैक्स ना लगे ये हम देख रहे हैं कि इस बजट में कोई नया टैक्स कोई नया सिग्निफिकेंट टैक्स नहीं लगा और अगर और आल आप देखें तो इस बजट में इकनॉमिक रिफ़ॉर्म के साथ साथ आपको सोशल रिफ़ॉर्म भी नज़र आते हैं तो मैं तो जो है मुबारकबाद देता हूँ उस हुकूमत को कि इसने जो है कमाल करके दिखाया कि ऐसा बजट जो है इन हालात में लेकर आई है उसमें कुछ चीज़ों की कमी है महसूस की जाती है और मैं उनकी जिक्र करके हुकूमत की तवज्जो उस तरफ जो है वो करना चाहता हूँ आप पंजाब की बजट को ले लें सिंध की बजट को ले लें उनमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जैसे वहाँ हाउसिंग पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है आ, माइक्रो क्रेडिट पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और जरात जो है जो कि हमारी इकानमी का रीढ़ की हड्डी है उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है लिहाजा इन चीज़ों पर भी जो है हुकूमत को जो है नज़र रखना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ओवरऑल मैं समझता हूँ कि गुज्तर बजट्स की तारीख को देख के आ, कोई भी आदमी ईमानदारी के साथ ये कह सकता है कि सूबाई सु, हुकूमत ने कमाल करके दिखाया है कि इतना बैलेंस बजट इन मजबूरियों के दरमियान ले आई है चलें बहुत शुक्रिया परवेज़ खलीक साहब आपने बड़े ही अच्छे अंदाज़ से बताया कि एक जो गिवन सरकमस्टेंस हैं उनमें एक बेहतरीन बजट सूबाई हुकूमत ने पेश किया है और ज़ाहिर है कि रिसोर्स का क्रंच भी मौजूद है और साथ साथ मसाइल भी हैं लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह का बजट एक एनालिस्ट की नज़र में है तो आ, उसको उसी तरह लेना चाहिए चलते हैं सिंध और सिंध के बजट के हवाले से ज़रा मैं बता दूं आपको कि पी में सिंध का जो हिस्सा है वो सैंतीस अरब इकतीस करोड़ रुपए रखा गया है सारे का हदफ चौदह अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर के लिए इक्कीस अरब रुपये तालीम चौदह अरब रुपये सेहत पर सात अरब रुपये शहरी तरक्की के लिए दो अरब रुपये ये ज़्यादा सैलिन फीचर्स में मिले नहीं जाना चाहूँगा कि मैं अपने जो एनालिस्ट हैं उनको इसमें डालूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या करते हैं शेर मोहम्मद खाबड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से उनसे पूछूंगा कि खबर साहब जो सिंध में बजट पेश किया गया है उसमें आप एज एनालिस्ट इसको कैसे ले रहे हैं जिस तरह मैंने पहले पूछा था कि क्या जो प्रायोरिटीज एक आम आदमी सोच रहा था कि उन प्रायोरिटीज के मुताबिक एक बजट आएगा आज का बजट जो कायम अली शाहब ने पेश किया है क्या उन अवामी उमंगों की अक्का करता है या नहीं करता इसरार साहब सबसे बड़ी बात ये थी आज के बजट की और जिसके लिए सिंध इसम्बली के मम्बरान मुबारकबाद के मुस्तक हैं वो ये कि पाँच बरस के बाद ये पहला बजट था जो मुकम्मल तौर पे मम्बरान ने पुरन तौर पर बैठ करके खामोशी से और बड़े ध्यान से सुना इससे पहले गुजशत पाँच बरसों में जब भी बजट सेशन होता था उसमें बहुत ही हुल्लड़बाजी हुल हंगामा और नारेबाजी वगैरह वगैरह होते थे यहाँ तक कि बजट डॉक्यूमेंट्स को भी उठा दिया कि फेंक दिया जाता था लेकिन आज हजब इख्लाफ के लोग हों या हज इकतदार के लोग हों सब ने बैठ के बहुत ही वक़ार के साथ और जिस वक्त सैद क़ायम अली साहब ये बजट पेश कर रहे थे ये महसूस हो रहा था कि वाकई हम उस सिंध इसम्बली के ऐवान में बैठे हैं उस मोजु ऐवान में जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया था आज के बजट की खास बात यह है वैसे तो कई इसमें प्रायॉरटीज़ हैं लेकिन सबसे इम्पॉटेंट जो मुझे लगी है वो ये है कि आपको पता होगा इसरार साहब के दरियाए सिंध पूरे सिंध को चीरता हुआ अरबी समंदर में जाके गिरता है तो सिंध दो हिस्सों में जैसा कि तकसीम है दरियाए सिंध की वजह से डेढ़ दो बरस कबल दरियाए सिंध पर मोहन जो दड़ों के मकाम पर एक पुल बनाने का मनसूबा तश्कल पाया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानब से बन रहा है लेकिन आज सैयद कायम अली शाह ने यह खुशखबरी दे करके सिंध के लोगों की खुशियों को दुबाला कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि सेवन और सकरन को मिलाने के लिए एक और पुल बना दिया जाएगा इसके अलावा आपको पता होगा कि सेवनटीज़ में शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो ने लाड़काना में चांडका मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखा था आज के इस बजट में अनाउंस किया गया है कि चांडका मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा और उसके बाद इसका नाम शहीद बे नज़िर भुट्टो यूनिवर्सिटी रख दिया जाएगा साथ साथ ये भी सूबे के अवाम को खुशखबरी दी गई आपको पता है कि गो के रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से सिंध पाकिस्तान में टॉप पर है लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है अहलियाने सिंध की कि हमारी जो तालीम है वो तमाम सूबों से कम तर दर्जे की है यहाँ पर तालीम का मैार गिरा है उसमें हमारे इस वालदेन का स्टूडेंट्स का हुकूमत का तमाम तबका जिंदगी ज़... शुभा ज़िंदगी का अमल दखल है एक किसी भी एक शुबे को मूर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता लेकिन आज के बजट में सैद क्यामली शाह ने इस बात का एतराफ़ किया कि जिस तरीके से पीले स्कूलों में पढ़ने वाले पीले यूनिफार्म पहने हुए बच्चों का मैारिमी अच्छा नहीं है हम उनकी तरफ भी ध्यान देंगे और यह भी एक नवीद सुनाई गई कि सिंध में दो मजीद इंजीनियर इंजीनियरिंग कायम की दो मजीद इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किए जाएंगे इसके साथ साथ आपको पता है कि सिंध बुनियादी तौर पर जरिए शोबा है जिसकी तरक्की के लिए पाँच अरब रुपये के करीब की एक रकम रखी गई है और सिंध के साथ ये जो माही गिरी का शोबा भी वो जरात के साथ मुंसलिक ही समझा जाता है और माजी में ये किया गया कि बड़े बड़े टालर्स को फ़िशिंग के राइट्स दिए गए जिसकी वजह से कराची ठट्टा बदीन के माहर बहुत ज़्यादा ये रोज़गार के मसाइल में मुब्तला हुए तो आज ये खुशखबरी सुना दी गई उन लोगों को कि सिंध के पानियों पर जितने भी ठेकेदारी निज़ाम था उसको ख़त्म किया जा रहा है और, और वो वही मकामी लोग वहाँ पर रोज़गार कर सकें साथ में कई और छोटे मोटे इंसेंटिव दिए गए हैं लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त सिंध का जो प्रॉब्लम है एक तरफ वापस आऊँगा मुझे सेकंड राउंड भी लेना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि ये जो बात हो रही है बजट्स के हवाले से इसमें फेडरल बजट की भी बात थोड़ी सी कर लें खाइ साहब तलीम की बात की खबर साहब ने उधर से सिंध से तलीम और सेहत बुनियादी जो जरूरियात हैं जी और उसमें जाहिर है मैंने ये कहता कि हमारे पास रिसोसेज बेशुमार हैं अमेरिका में भी आप रहते हैं अमेरिका में भी रिसोर्स का मसला रहता, रहता है। था लेकिन अब ये बताएं कि ये जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है इसमें गिवन रिसोर्स जो है हमारे पास उनमें रहते हुए तालीम और सेहत के ऊपर क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए कि जहाँ पे हमारे जो पिल का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है हमारा अगर हम एक अरब रुपया किसी चीज़ के लिए मुखस करते हैं उसमें से तकरीबन थर्टी फोर्टी परसेंट जो है हमारे कुछ भाई जो हैं वो इधर उधर ले जाते हैं तो उससे बेहतर है कि पिल फ्रिज वगैरह ख़त्म की जाएँ थोड़ी सी टाइट मोनिटरिंग हो तो कम अज़ कम रिज़ल्ट जो हैं वो वे लिए जा सकें तलीम और सेहत के लिए क्या करेंगे देखिए एक जहाँ तक फेडरल है एजुकेशन उसमें दो हिस्से हैं हायर एजुकेशन तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डील करते हैं और जो कई और इंस्टीट्यूशनल जो फेडरल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है वो फेडरल बजट में कवर्ड है इसी तरह प्रोवेंशल सब्जेक्ट है वहाँ पे ज़्यादा फोकस है चूंकि वहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज है आ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रोग्राम में शायद आपको याद होगा मोहतमा बेजी भुट्टो साहबा ने पाँच ईस का जिक्र किया था जिसमें एक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एनेबलिंग इन्वामेंट एनर्जी और एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोग्राम जहाँ हमने ये फोकस किया एक्सेलेंस इन गवर्नेंस प्रोग्राम में यही एग्जैक्टली exactly जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जिनमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को कैसे क्लोजली मॉनिटर किया जाए कि प्रोजेक्ट्स टाइमली और विद इन रिसोर्स कम्प्लीट भी हों और उसमें मजीद एफिशेंसी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस आए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार हैल्थ एग्जैक्टली हेल्थ में आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारे फेडरल प्रोग्राम्स हैं उनमें काफ़ी सब्सिडीज़ हैं जो ऐसी बीमारियां जिनकी दवाइयां मुश्किल से मिलती थी पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी रिलैक्स ही हैं लेकिन जो सेहत वजारत सेहत के प्रोग्राम में प्रोवेंशियल और फेडरल हमारी कोशिश है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं अटैच्ड और जो उनमें स्टाफिंग है नर्सेस की या डॉक्टर्स की वो क्वालिटी प्रोग्राम ऑफर करें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मोहम्मद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शुरू किया था लेडी हेल्थ विज़िटर्स का आपको पता है कि उसमें हंड्रेड थाउजेंड की तादाद बढ़ाई गई है वो एक एम्प्लॉमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है ख़ौन के लिए और खूस हमारी जो रूरल एरियाज में ख़वा हैं

तालीम के लिए तीस अरब तेरह करोड़ और सेहत के लिए नौ अरब रुपये जो है वो मुख्त किए गए हैं ये दोनों जो मेजर शोभाजात हैं क्या आप समझते हैं कि ये आ, दिस अमाउंट इज इनफ फॉर द प्रॉब ऑफ पंजाब क्योंकि पंजाब आपको पता है एक बहुत बड़ा सूबा है उसमें मसाइल भी हैं पिल फ्रिज जिस तरह हम बात कर रहे थे वो भी मौजूद हैं तो क्या ये जो अमाउंट रखी गई है इज दैट इनफ असल में कसाना साहब अमाउंट मेरे नज़दीक कभी कभी भी कम नहीं होती अभी आपने ख़्वाजा साहब से पूछा उन्होंने भी यही कहा और मैंने आपने पहले राउंड में भी आपसे यही कहा कि असल में हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है से वो होना बड़ी ज़रूरी है लेकिन मैं थोड़ी सी सजेशन भी दूंगा गवर्नमेंट को कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो अपना काम करे और ज़रूर थोड़े से वो लोग तलीम में से ले लें अपने ले साथ कि जिन्होंने वाकई प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाया है और जो आप अभी जिक्र कर रहे थे पिल का वो भी, वो भी भी उसमें से मसलन हम हम उसको उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एज फार एज बजट का जहां तक तला आपने तीस अरब का बजट कहा तो बजट की बजट इज एनफ जो भी उन्होंने मसलन एक सौ चौतालीस स्कूलों के बारे कहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाएंगे जो हमारी फ़नी तलीम है उसके ऊपर ख़र्चा बहुत जरूरी है टेक्निकली असल में अगर आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आम तालीम है उसकी तरफ तो जो कम होनी चाहिए मसलन हिस्ट्री में हम कह रहे हैं पोलिटिकल साइंस में वो अपनी मसलन उनकी उनकी वैल्यू अपने लेवल पर है लेकिन जो बच्चे हमारे मैट्रिक तक पढ़ते हैं या उससे आगे तक जाते हैं तो उनका जो रुझान है वो टेक्निकल तलीम की तरफ प्रोफेशनल तलीम की तरफ होना चाहिए जो कि उसके लिए बजट बहाल रखा गया और जो टेवटा हमारा काम कर रहा है उसको मजीद इफेक्टिव करने के लिए मसलन यानी कि उसको इफेक्टिव करने के लिए मसलन जरूरत है बाकी आप ले लें कि जैसे अभी जिक्र हुआ हायर एजुकेशन कमीशन का हायर एजुकेशन कमीशन बहरहाल समथिंग इज बेटर नथिंग ऑलरेडी उसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है और ऑलरेडी हमारे बहुत से लोग जहाँ वो पी एच डी करने के लिए गए हुए हैं अभी लफज आपने इस्तेमाल किया था एनेबलिंग एनवायरमेंट का ये दरअसल कैरी कलम के चार जो हमारे हैं आ, मसलन स्टूडेंट फैकल्टी और कोर्स ये उसमें से बड़ा अहम है कि में बड़ा जरूरी है ठीक है अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी यूनियन बहाल कर दी जाए तलबा के लिए लेकिन उसमें भी इफेक्टिव मैयर और उसमें जो आपका बहुत शुक्रिया चूंकि हमारा छोटा है इसलिए हमें जरा बार बार जाना पड़ेगा दूसरे सूबों में भी और खासतौर पर इसलिए कि हमारे जो इनिशियल पार्ट ऑफ़ द प्रोग्राम था वो थोड़ा सा चूँकि लाइव प्रोग्रामिंग की वजह से ज़रा डिस्टर्ब हुआ था तो वापस चलते हैं ज़रा एन डब्ल्यू एफ़ पी और बात करते हैं खान खलील साहब से और साहब से मैं पूछूँगा प्रोवेस साहब मैं देख रहा था कि आपके यहाँ भी तालीम के लिए इक्कीस अरब रुपये जो हैं वो रखे गए हैं आ, सेहत के लिए छः अशारिया पाँच अरब रुपए हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए देखें ये तमाम सूबों में अब एक नई चीज़ अब आ गई है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी साढ़े छः अरब रुपये रखे गए हैं आपके सूबे में जाहिर है कि एक मसला तो है और बाकी शूबों में भी ज़ाहिर है कि उसका एक सिलसिला चलता रहता है वहाँ पर अब लॉ एंड सिचुएशन का जो एक सिलसिला है उसमें आप समझते हैं कि जो बजट है और बाकी जो उसमें प्रायोरिटी सेट की गई है लॉ एंड ऑर्डर को भी कवर सही तरह कर लिया जाएगा और तालीम और सेहत के जो शोबे हैं जो कि बड़े की किस्म के शोबे हैं उनको भी सही तरह एंटरटेन किया जा सकेगा जी हाँ जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है तो हुकूमत ने इस दफा काफी पैसे उसमें रखे हैं और तकरीबन कोई सात हज़ार पैदा की हैं तकरीबन कोई बीस नए ताने बनाए जा रहे हैं और इस तरह से ये सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है वाकई लॉ एंड ऑर्डर जो है सूबे का एक बहुत बड़ा मसला है और हुकूमत इससे वाकिफ़ है जहाँ तक तालीम और सेहत की बात आपने की तो इस बजट में अगर आप अभी डिपार्टमेंट्स के अंदर पूछें तो अभी तक डिपार्टमेंट ने पूरी की पूरी बजट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में खर्च नहीं की दरअसल पैसे मज़ीद रखने के साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी करें और उसमें एफिशिएंसी लेकर आएँ इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएं और उनकी सर्विस डिलीवरी को जो है इम्प्रूव करें सिर्फ पैसे रखने से बात नहीं बनती क्योंकि पैसे अब भी जो है वो जो जो रखे गए गुजशत बजट में वो पूरे के पूरे खर्च नहीं हुए एजुकेशन में लोग जो यहाँ जो महसूस करते हैं वो है उस अस, का, का की परफॉर्मेंस जिसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है आ, ड्राप आउट ज़्यादा है और साथ साथ जो है स्कूलों के अंदर जो है एक कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए प्रोविजन जो है वो कम है एवालुएशन का सिस्टम जो है उसमें जो है इम्प्रमेंट की ज़रूरत है इसी तरफ आप आएँ तो हेल्थ में जो है एक बहुत बड़ा मसला है वो सर्विस डिलीवरी वो है आपकी की आई एम रियली सॉरी टू कट यू शॉर्ट मुझे बड़ा बुरा लगता है किसी की बात को काटते हुए लेकिन आज चूंकि टाइम की किल्लत का सामना है और मैं चाहता हूं कि कराची में भी जरा बात कर ली जाए और शेर मोहम्मद खावर साहब वहां पे मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि खावर साहब मैं देख रहा था कि आज का जो बजट है उसमें बेनजीर यूथ डेवलपमेंट फंड जो है वो कायम करने का ऐलान किया गया है और उसमें मुख्तु जो है इनिशिवज हैं वो लिए गए हैं तनख्वाहों में फीस बीस फीसद इजाफा भी है तो क्या आप समझते हैं कि जो आज का बजट है पुअर फ्रेंडली बजट कह कहा जा सकता है इसको मुख्तर बताइएगा ज़रा सर पुअर फ्रेंडली बजट आप uh, नाम तो दे सकते हैं लेकिन एक बरस के बाद ये पता चलेगा कि वाकई पुअर फ्रेंडली बजट था अभी कि नहीं आप क्योंकि इस वक्त वफाकी बजट को भी डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैं एक बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा हो सकता है उसका सिंध पर अच्छा इम्पेक्ट पड़े 1996 में बेनजीर नज़िर भुट्टो साहबा ने कराची पैकेज अनाउंस किया था जिसमें 500 बिस्तरों का बेनजीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेंता करने की बात की गई थी जैसे ही बेनजीर नजीर की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मंसूबा खटाई में पड़ गया और वो अभी तक बहाल नहीं हो सका तो अगर वफा की बजट जब पे जब इस वक्त बहस हो रहा है कौमी असम्बली में इस बात पर भी नजर कर दी जाए तो अच्छी बात है और इस बात का अच्छा इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा कि आज सद काम शाह ने बताया कि पुलिस और दूसरे महकमे में पचास हज़ार के करीब मुलाजमतों हैं और आठ हज़ार नई असामियाँ पैदा की जा रही हैं और ये मुलाजमतें क्योंकि गुज्त कई बरसों से नहीं दी जा रही थी तो ये लोगों को देने का आमल है बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका और Uh, आपकी तमाम लोगों की इनपुट जो थी वो बड़ी ही काबिल एहतराम थी लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं एक दफ़ा फिर माजरा चाहूँगा आप सब लोगों से कि सही तरह आपको टाइम नहीं दे पाया लेकिन खालिद साहब आखिर में मुझे ये बताएगा कि जो बेनज़ीर कार्ड का एक इनिशिएटिव दिया गया है वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया बट हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटबल

वन थाउजेंड रुपीज मंथली डायरेक्ट हेल्प मिलेगी इनकम सपोर्ट में और ये जो उनके पास ये बेसिक कार्ड होगा उनको हेल्प मिलेगी जो दूसरे प्रोग्राम हैं बैतमाल में इंश्योरेंसेज में जॉब के लेने में ये आई थिंक इट तो विल बी वेरी हेल्पफुल लेकिन आपकी इनकी बात सम करते हुए मैं आपको एक चीज बताऊँ कि चार एरियाज़ में जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप जिस पर फोकस कर रही है कि एफिशेंसीज हम कैसे लाएँ चार एरियाज प्रोक्योरमेंट के एरिया में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एरिया में रेवेन्यू बेस्ड जो वसूलियात हैं उनके कलेक्शन में और लोकल गवर्नमेंट में जो सर्विस डिलीवरी है ये चार एरियाज फोकस के लाने आ, में, लेकिन जो रोटी कपड़ा मकान का वादा है उसमें वीट सब्सिडी आपने देखी है हाउसिंग के प्रोग्राम करे सब कुछ हो सके और वर्केबल आइडियाज हैं लेकिन अल्लाह करे कि वर्क करें भी और इनशाला अगर इम्प्लीमेंटेशन सही हुई तो ऐसा हो सकेगा डॉक्टर अकबर खाजा साहब का बहुत शुक्रिया मैं एहसान मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर से शेर मोहम्मद खावर साहब कराची से और प्रवेश खलील साहब पिशा से हमें ज्वाइन कर रहे थे आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और आखिर में दुआ कि के लिए काफी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू तो ही मेरा परवरदिगार है तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूं मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है स्पुरदम बतो खेशरा तू हिसाब को को मुझे, मुझे परसों तक के लिए जाच दीजिए परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़